नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। हरियाणा में 75 सीटों पर जीत का दावा करने वाली बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी भले ही राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी हो, लेकिन सरकार बनाने के लिए जिस जादुई आंकड़े की जरूरत है वो उससे 6 कदम पीछे रह गई। हरियाणा के लोगों ने त्रिशंकु विधानसभा का जनादेश दिया है, जिसकी वजह से कोई भी पार्टी सीधे सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों के मुताबिक बीजेपी को 40, कांग्रेस को 31, जेजेपी को 10 और अन्य के हिस्से में 9 सीटें आई हैं। ऐसे में गुरुवार से ही दोनों बड़ी पार्टियों में जोड़ तोड़ की राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी के पास 40 सीट है, उसे सरकार बनाने के लिए 6 और विधायकों के समर्थन की जरूरत है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो उसके पास 31 विधायक हैं। गुरुवार दोपहर जब आंकड़े बदल रहे थे, तब जेजेपी के दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस को समर्थन की बात कही थी, लेकिन इसके लिए सीएम पद की मांग भी रखी थी। अगर कांग्रेस और जेजेपी मिल भी जाते हैं तो भी बहुमत से वो 5 कदम पीछे रह जाएंगे और उनको फिर निर्दलीय विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी। जाहिर है, जिस तरह के आंकड़े सामने आए हैं उसमें अभी तक बीजेपी बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। इस संकट की घड़ी में हरियाणा जनहित पार्टी के नेता गोपाल कांडा बीजेपी के संकट मोचक बनकर उभरे हैं। गुरुवार देर रात गोपाल कांडा ने बीजेपी के समर्थन का वादा किया। उनके साथ एक निर्दलीय विधायक रंजीत सिंह चौटाला भी हैं। हरियाणा की सरकार बनाने के जुगत में इन दोनों नेताओं ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात भी की और उन्हें अपने समर्थन की जानकारी दी। गोपाल कांडा के भाई गोविंद कांडा का दावा है कि उनके साथ 6 विधायकों का समर्थन है जो उनके साथ बीजेपी को समर्थन देंगे। वहीं सूत्रों के मुताबिक गोपाल कांडा की इस मदद के एवज में बीजेपी उन्हें मंत्री बनाने को तैयार हो गई है। अगर कांडा बीजेपी के लिए 6 विधायकों को मना लेते हैं तो हरियाणा सरकार में उन्हें अहम भूमिका दी जा सकती है। आपको बता दें कि गोपाल कांडा ने सिरसा विधानसभा सीट से महज 602 वोटों से जीत हासिल की है। वो हरियाणा की राजनीति का विवादित चेहरा रह चुके हैं। उन पर एयर होस्टेस गीतिका शर्मा के शोषण और उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लग चुका है। इस मामले में जेल भी जा चुके हैं। जब से गोपाल कांडा ने बीजेपी को समर्थन की बात कही थी, तभी से सोशल मीडिया पर ट्रेंड होना शुरू हो गया था। इनमें खासकर वो तस्वीरें हैं जब बीजेपी के कार्यकर्ता कांडा की गिरफ्तारी के लिए सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे। बीजेपी ने सड़कों पर उतरकर जिस गोपाल कांडा की गिरफ्तारी के लिए प्रदर्शन किया था, आज वही कांडा उनके संकट मोचक बन गए हैं।